आज हम सीखेंगे किरचॉफ का जंक्शन लॉ। इसे करंट लॉ भी कहा जाता है, यानी किसी जंक्शन पर अगर बहुत सारे दो या दो से ज्यादा तार कनेक्टेड है तो करंट का इक्वेशन क्या होगा। बहुत ही सिंपल भाषा में अगर आप याद रखें तो किसी भी जंक्शन पर चार्ज का कंजर्वेशन लगता है, यानी ये लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड होता है। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं बहुत सारे वायर है, ये पॉइंट है, तो सिंपल मेरी भाषा में इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। लेकिन अगर आपको लिखने के लिए आ जाए एक मार्क्स दो मार्क्स के अंदर, तो जंक्शन पर अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। बड़े ही सिंपल भाषा में समझो तो इनकमिंग इनकमिंग इनकमिंग, तो इनकमिंग करंट प्लस ले लीजिए, आउटगोइंग करंट को आपको क्या करना है माइनस करना है, तो ये माइनस वाला इधर जाएगा, तो इनकमिंग इज इक्वल टू लॉजिकली क्या हो जाएगा आपका आउटगोइंग करंट। तो सिंपल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। एंड द सेकंड पॉइंट इज किस पर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जितने चार्ज यहां आएंगे उतने ही चार्जेस जाएंगे, यानी जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। अगर आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसी और भी 60 सेकंड की कंप्लीट फिजिक्स के रिवीजन के लिए हमारे प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।